हम सब की संस्कृति है, जब भी खेती बाड़ी का समय आता है तो वरुण देवता से ईश्वर जी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु बारिश ऐसा कर किसी प्रकार का नुकसान ना हो और हमारा खेत उपजाऊ हो, हमारे सिंचाई का साधन हो। और इसी तरह बाढ़ के समय में मैया से भी प्रार्थना होता है, सरयू गंगा मैया से, घाघरा जहाँ भी जाइए वहाँ कोशिश करता हूँ, अधिकारियों से भी मैं भी स्वयं आग्रह किया हूँ कि जनता जनार्दन और साथ में लेकर सभी माई से प्रार्थना करें कि आप आवें और सीधे निकल जाएं, किसी प्रकार का कटान भी हो नुकसान भी ना हो, सीधे निकल जाएं, जन हानि हो ना धन हानि। और इसके लिए जहाँ जहाँ ये लगता है कि गांव कटने वाला है, कठिन परिस्थितियों में है, ऐसे राज्य के अंदर बाढ़ को देखते हुए हम लोग जो नेपाल और उत्तराखंड से बारिश आता है और भयंकर बारिश होने के कारण नेपाल उत्तराखंड के कारण ये नदियों में उफान होता है, तूफान होता है एक तरह का। आप देखिए यहाँ भी हमारे राज्य के अंदर 338 परियोजनाएं चल रही हैं बाढ़ को लेकर, और सभी हमारी परियोजनाएं लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। जहाँ जहाँ हमारी परियोजनाएं बनी है उस स्थान पर यदि भयंकर बाढ़ आएगा तो अलग विषय है, नहीं तो उस गाँव को हम इस बार सुरक्षित रखेंगे और उस स्थान पर कटान नहीं हो पाएगा। बलिया के अंदर भी हमारे लगभग 12 के आसपास परियोजना चल रही है, गंगा सरयू और ये टोंस पर भी एक परियोजना है, वह सभी परियोजना हमारी लगभग कंप्लीट हो रही हैं। और लगता है यहाँ आप भी देख रहे हैं इस परियोजनाओं को, जिसके कारण मैं इस गांव को आसपास के जितने गांव हैं जो आबादी हम बचा लेंगे, इसी कारण हम भी निकले हैं। इमरजेंसी भी यदि कुछ होता है, पानी से तो कोई टकरा नहीं पाएगा, कितना पानी आ जाए एकाएक, मान लो गंगा भी एक साथ आ जाए, इधर सरयू भी एक साथ आ जाए, तो और सभी नदियां एक साथ जब आती हैं बाढ़ लेकर तो फिर बैक मारता है पानी, जब बैक मारता है तो उसमें ठहरता है पानी, जैसे रोड जाम हो जाए एक सभी गाड़ियां बस खड़ी हो जाएंगी, तो उसके कारण कठिनाई आता है। तो उसके लिए हमारा स्टोर सामग्री भी बना रहे, कोई इमरजेंसी में ऐसा हो तो स्टोर, आप देख रहे हैं हमारे सभी बोल्डर भी बोरे भर कर एडवांस रखा गया है, यदि लगता है कभी कठिनाई हो तो हम लोग सुरक्षित गाँव वालों को बचा लें आप सबके माध्यम से जनता जनार्दन के कारण, क्योंकि बचा लें इसलिए हम लोग निकले।